हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आ गई छत पर ये नेट लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं कबूतर और अभी बंदर भी नहीं है, तो मैंने कहा जल्दी से जाके ये नेट लगा देती हूँ मैं। तो इधर ये थोड़ी सी बड़ी थी, उधर शायद कम रह गई थी, तो इसको काट के मैं इधर लगा दूँगी। ये मैंने लगा दी है जाली, देखिए कबूतर आने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैं आ गई हूँ रूम में और देखिए कितना मैसी हो रहा है रूम। अब इसको कर लेते हैं क्लीन जल्दी से, बेडशीट चेंज करनी है और ये भी जल्दी से कर लेती हूँ मैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि वो रेडी हो जाते हैं, कपड़े इधर से उधर डाल जाते हैं, सारे में फैला रहा सा करके डाल जाते हैं, तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं जल्दी से कर लूँगी सफाई सारे रूम की। बेड शीट हो चुकी है मेरी चेंज और ये प्रेस रखी थी नीचे, इसे रख दूँगी मैं ऊपर उठाकर। और पिलो के कवर रह गए चेंज करना बाकी, और सारे कपड़ों को समेट के रखाऊँगी बाहर मशीन के पास, क्योंकि लाइट आ जाएगी तो फिर मैं मशीन लगा दूँगी। और मेरे पिलो कवर भी चेंज हो गए हैं और इसी टाइम आ चुकी है लाइट, जल्दी से झाड़ू लगा के मैं लगा दूँगी मशीन, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा रूम क्लीन ही हो चुका है। फाइनली मेरे रूम की हो चुकी है सफाई, देख सकते हैं आप, ये देखिए सारा मैंने रूम कर दिया है सेट। और ये कर रहे हैं शैतानी, क्या कर रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ जल्दी से। ये पिलो उठा के रखो, तुमने कहाँ रख दिया? उठाओ उसको, पिलो को उठाओ जल्दी से, हैंड से उठाओ, हैंड से उठा लो, सही से रखो उसको अच्छे से, सही नहीं रखा वो, रखो ठीक से उसको, रख दिया एंकी, एंकी ले ली, गिर नहीं आना पीछे, चलो चलो। अब करते हैं हम बाकी की रूम की सफाई। मशीन मैंने लगा दी थी क्योंकि लाइट आ चुकी थी, और इधर रह गई थी झाड़ू, उधर मशीन का बजर बोलने लगा था, तो मैंने उन कपड़ों को निकाल के ड्रायर में डाल दूँगी, बाद में कर लूँगी। दूसरे अंदर वाले रूम की झाड़ू लगाना बाकी रह गई, और बाकी कपड़े भी डाल दूँगी मैं, और अंदर से भी लगा कूड़ा निकाल लूँगी जल्दी से मैं। झाड़ू मेरी लग चुकी थी और हस्बैंड को ज़रा थोड़ा काम से जाना था, तो मैं आ गई थी बाहर शॉप पर, तो मैंने कहा बैठूंगी तो थोड़ा काम भी कर लेती, थोड़ा काम भी कम हो जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो मुझे जो खाना बनाना है उसके लिए मैं मसाले प्याज लहसुन अदरक वगैरह छील लूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज लौकी की सब्ज़ी, तो उसे भी मैं बैठे बैठे यहीं काट लूँगी। बाहर बैठने से काम हो जाता है मेरा, तो शॉप पर भी ध्यान रहेगा और इधर सब्ज़ी मेरी कट जाएगी, वो कहते हैं ना एक पंथ दो का, तो बस मैं वही कर रही हूँ फिलहाल यहीं बैठ कर। सब्ज़ी मेरी कट चुकी थी और जब ही आ गया था कस्टमर, तो मैं उसे सामान दिखाने के लिए ले आई थी, और ये भी अच्छा है सब्ज़ी कटी है, जब ही कस्टमर आया मुझे बीच में उठना पड़ता, तो मैंने उसे जो सामान लेने आया था वो सामान मैंने दे दिया है, और वो देख रहे हैं, वो कुछ और सामान की पूछ रहे हैं। आप सोच रहे हो इधर मैंने डंडा क्यों उठा लिया, आप साथ कोने में देख सकते हो बंकी आ चुके हैं, तो इस चक्कर में मैंने डंडा उठा लिया। मैंने बोल रही हूँ कस्टमर से संभाल के निकलना, ये अटैक कर देते हैं बिना मतलब के, बस उनको थोड़ा सा वो चाहिए थी प्लास्टिक बांधने के लिए बाइक से, तो मैंने वही ला के दे दिए। और कस्टमर के जाते ही मैं तो अंदर आ गई थी, फटाक से गेट लगा लिया है, देख सकते हैं आप, देखो बंदर बहुत डर लगता है, ये काट लेते हैं ना बिना मतलब के छेड़ों ने फिर भी, और डेली का है इनका, जाते भी नहीं है, हस्बैंड भी है नहीं है, वो आ जाएंगे तो फिर जब भागेंगे अंदर, कॉल मैंने उनको कर दिया है।
हस्बैंड मेरे आ चुके थे तो मैं आ गई हूँ वापस अंदर। कपड़े मेरे सुखाने के लिए डालना है, उसमें ड्रायर करना है, तो मैंने पानी लगा दिया है, कपड़े ड्रायर हो जाएंगे। तब तक मैं आ गई किचन में, सब्जी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, उसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है। जब तक मैं काट लूँगी अपने हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि लौकी के साथ इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, लौकी में डालने से टमाटर अच्छे लगते हैं। तो बस मैं इसे जल्दी से काट लूँगी और सब्जी भी चढ़ा दूँगी अपनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह तो बेल्ट लगानी थी, थोड़ी देर पहले बेल्ट क्यों लगा ली है। एक्चुअली मेरा सिजेरियन हुआ था तो मेरे बैक में बहुत दर्द होता है। सुबह हो रहा था दर्द, लेकिन इतना नहीं हो रहा था, धीमे हो रहा था, लेकिन अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए मुझे बेल्ट लगाई। इससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और सपोर्ट भी मिल जाता है, इसलिए मैंने बेल्ट लगा ली थी। मसाला मैंने डाल दिया है कुकर में, मसाला बन रहा है, मसाला बन जाएगा। वैसे ही मैं अपनी इसमें चने की दाल और लौकी डाल दूँगी। सब्जी मेरी बन रही है, जब तक मैं कपड़े सुखा लूँगी, क्योंकि कपड़े मेरे सूख चुके थे और उनको जल्दी से मैं फैला दूँगी। देखा वह कबूतर अभी गए नहीं है, ये आ गए हैं, उड़ रहे हैं इधर उधर, आपको दिख रहे हैं होंगे शायद। जल्दी जल्दी मैं अपने कपड़े फैला दूँगी, फिर उसके बाद बाकी के कपड़े भी निकाल के ड्रायर करके उनको भी फैला दूँगी मैं। यहाँ धूप आ जाती है, ऊपर जाल है ना इसलिए, और हवा भी आ जाती है तो कपड़े यहीं सूख जाते हैं और कपड़ों का कलर भी नहीं फेड होता है। ऊपर धूप भी है और इधर बंदर भी है, तो इस चक्कर में कपड़े मैंने यहीं रस्सी बांध रखी है, तो अपने कपड़े सारे यहीं फैला देते हैं ड्राई करके। कपड़े मेरे फैला दिए हैं, वापस आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह के लंच के बर्तन हो गए थे तो उनको कर लेती हूँ मैं वॉश। वो धोए नहीं थे मैंने, तो उनको भी जल्दी जल्दी से धो दूँगी। मेरी सब्जी भी बन चुकी है, बस उसकी स्टीम रह गई है बाकी निकलना। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, अब मैं काट लूँगी सब्जी के लिए हरा धनिया, क्योंकि सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है। सब्जी में हरा धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो धनिया भी मेरा कट चुका है और मैं उसे डाल दूँगी अपनी सब्जी में। खाना मेरा हो चुका है रेडी, ये मैंने लगा दिया हस्बैंड के लिए पर लेट। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।